हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूपी पीसीएस के आगामी परीक्षाओं के लिए मैथ सेक्शन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका लेक्चर पहला होगा। और अभी सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा आउटलाइन सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। सिलेबस जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सामान्य सांख्यिकी सेक्शन के अंतर्गत के प्रश्न लिए जाते हैं। और यह प्रश्न देखा जाए एक ऐसे पैटर्न पर होते हैं जिसके प्रश्न निश्चित तौर पर क्राइटेरिया फिक्स होता है कि कहां तक के प्रश्न बनने हैं। अब उस क्राइटेरिया की बात करें कि हर खंड से कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के नेचर क्या होते हैं, इन सब को हम बारीकियों से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा सिलेबस की डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला खंड इसका जो दिया गया है वो इसमें आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला खंड जो है वो अंकगणित सेक्शन से है। और अंकगणित में आपको क्या पढ़ना है इस पर कंसीडर करिएगा। देखिए, अंकगणित में सबसे पहले दिया है संख्या पद्धति। वैसे संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें संख्याओं के नेचर तो आपको जानना है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, इन पर हमें डिस्कशन करना है। पूर्णांक संख्याओं का जो लस और मस है और इस लस और मस में क्या संबंध है, ये सारी चीजें हैं। औसत है, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक एक महत्वपूर्ण भाग है, इनसे प्रश्न लिए जाते रहे हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें प्रतिशतता की, लाभ हानि, ब्याज में आपको दोनों पढ़ने हैं, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज में दोनों हैं। और वर्क एंड टाइम, ये एक अनिवार्य टॉपिक जिसका प्रश्न निश्चित तौर पर बराबर बनता ही रहा है, वर्क एंड टाइम का। चाल समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये दोनों, जिनसे एक एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी बनती रहती है। हालांकि अंकगणित के इस सेक्शन में आपको हर पार्ट को देखना है, लेकिन संख्या पद्धति की प्रश्न पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। और संख्या पद्धति में केवल संख्याओं का परिचय नहीं, विभाजक की पूरी क्राइटेरिया भी समझना है, क्योंकि विभाज्य से प्रश्न लिए जाते रहे। और शुरुआत में विभाज्य सेक्शन से ही करूंगा। ये तो आपका अंकगणित सेक्शन हो गया। बीजगणित के बात करें तो बहुपद के गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीगन, बहुपद के गुणनखंड ये है, बहुपदों का लस और मस और इसमें संबंध, शेषफल प्रमेय महत्वपूर्ण है इसमें, और सरल युग्मक समीकरण और द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण के मूल आदि ये समझना है, और द्विघात समीकरण में मूल के जो संबंध है उसको समझना है। सेट थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत है, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय और समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, ये सारी चीजें हैं। रेखा गणित, इनसे भी प्रश्न 2 से 3 लिए जाते हैं, और अच्छे प्रश्न इसमें कुल मिला के आपको जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। जैसे त्रिभुज हुआ, आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना, उसके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उसके क्षेत्रफल। और इसके बाद गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और आयतन वॉल्यूम सेंस है। मतलब रेखा गणित कुल मिला के इसमें जो प्रश्न है ये 2D और 3D सेक्शन के प्रश्न बनते हैं, 2D और 3D सेक्शन के। मतलब यहाँ पर आपकी ज्यामितीय व्यवहार से प्रश्न ही बनेंगे, बल्कि हमें इसमें परिमाप और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब में हमें संबंध आदि को देखना होगा। और एक अगले सेक्शन की बात करें सामान्य सांख्यिकी की, जो स्टैटिक्स पार्ट है, इसमें आंकड़ों का संग्रह, डेटा का कलेक्शन, आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बंटन है, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, और इसमें दंड चार्ट, पाई चार्ट,
कुल मिलाकर और आयत चित्र हिस्टोग्राम आपको मैं बता दूं ये सेक्शन महत्वपूर्ण है और इसी से प्रश्न बनते हैं, है ना। सांख्यिकी सेक्शन से इसी से प्रश्न बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई सेक्शन से प्रश्न आते हैं। ये महत्वपूर्ण सीरीज है। बहुभुज है, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत ये माध्य माध्यिका बहुलक आता है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यहाँ डैश लगा है, मतलब ये जो आपका आता है माध्य माध्यिका और बहुलक एक ऐसा सेक्शन है, ये एक महत्वपूर्ण सीरीज है। मतलब आपको सांख्यिकी सेक्शन में दो चीजें ध्यान देना, इनसे प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न आपका इस सेक्शन से बनेगा और या माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड। तो ये आपके पूरे सिलेबस रहे हैं, अब हम इस पर क्रमवार चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं यूपी पीसीएस 2020 के लिए, जब मैं सेशन की शुरुआत करूं तो सबसे पहले हेडिंग में लूंगा विभाज्य, विभाज्य, डिवीजन, डिवीजन। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं तो मैं आउटलाइन इसकी सिलेबस लिख देता हूं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ध्यान से समझिएगा, इसमें पहले भाग के लंबी विधि का प्रश्न होगा, भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। और ये जो भाग के लंबी विधि का प्रश्न होगा इसमें कुल तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा सूत्र पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, और दूसरा जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो, महत्वपूर्ण हेडिंग है जब प्रश्न में, बाकी संख्याओं का परिचय जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको बाद में बताऊंगा, जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो, जैसे आपने परिमेय अपरिमेय पूर्णांक वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, ये सारी चीजें जो है मैं थ्योरेटिकल सेक्शन है इसको मैं बाद में रखूंगा, पहले कुछ अच्छे हेडिंग देखते हैं जिनसे प्रश्न बराबर बनते भी रहे हैं। और इसका तीसरा जो होगा वो होगा योग अंतर पर, मतलब भाग के लंबी विधि पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये मुख्य तीन प्रकार में होते हैं। इसके बाद हम दूसरे हेडिंग की बात करें विभाज्य सेक्शन से ही, ये होगा घातांकीय भाग पर प्रश्न, घातांकीय भाग पर प्रश्न। अच्छा, ये जो घातांकीय भाग के प्रश्न होंगे ये भी मुख्य तीन हेडिंग में बनेंगे, जिसमें पहला होगा सूत्र पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, और दूसरा होगा घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न, और तीसरा होगा शेषफल प्रमेय पर। ये महत्वपूर्ण सीरीज है, इससे विभाज्य में इसको आपको ध्यान से देखना है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, शेषफल प्रमेय पर, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम पर। शेषफल प्रमेय पर अब मैं बात करूं तीसरा विभाज्यता की शर्त पर, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, और चौथे हेडिंग की बात करें यह होगा भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न, भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। और इसमें जो है ये मुख्य दो टाइप होंगे, आप केवल टाइप ए और बी संकेत किए रहे। तो चलिए यहां से आपने सिलेबस लिखा विभाज्य का, अब पहले हेडिंग से मैं शुरुआत करता हूं। आप पहला हेडिंग भाग के लंबे विधि पर प्रश्न, जिसका पहला सेक्शन है सूत्र पर प्रश्न। वैसे मैंने जितना लंबी लिखा है उतना होता नहीं है, प्रश्न बहुत आसान होता है, सीरीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जब आप इस तरीके से कुछ भाग करते हैं, जैसे मान लिया हमने 39 में 7 से भाग दिया
तो पांच बार में 35 हो गया, शेषफल बचा 4। बस भाग देने की इस विधि को ही हम लंबी विधि के नाम से जानते हैं। जो इस तरीके से आप डेली भाग देते हैं, भाग देने की यही प्रोसेस लंबी विधि के नाम से जानी जाती है। अब एक बात समझिएगा, मैं आपसे कह दूं कि ये अंदर कौन सी संख्या है ये पता नहीं है। मान लिया ये संख्या अदिश है, ये संख्या हमें पता नहीं है, और मैं आपसे इतना कह दूं कि इस संख्या में जब मैं 7 से भाग देता हूं तो भागफल 5 आता है और शेषफल 4 बचता है। तो बताइए मैंने कौन सी संख्या में भाग दिया। फिर से सुनिएगा, हमने आपसे कहा कि अंदर कोई संख्या है, कौन सी है मान लिया ये पता नहीं है, लेकिन अंदर की इस संख्या में जब मैं 7 से भाग देता हूं तो भागफल 5 आता है, शेषफल 4। बताइए मैंने कौन सी संख्या में भाग दिया। आप बोलेंगे 39 से। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहेंगे इधर 7 का गुणा 5 में गुणा कर लीजिए, 7 का गुणा 5 में 35 हो गया और जितना शेष बचा है जोड़ लीजिए, तो 35 4 किस में 39 आ गया कि नहीं। अब बात समझिएगा, जो संख्या अंदर होती है हम उसको भाज्य पढ़ते हैं। हम इसको क्या पढ़ते हैं, भाज्य, डिविडेंड इसे बोलते हैं। और जिस किसी संख्या से मैं भाग देता हूं हम उसको क्या पढ़ते हैं, भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जितनी बार आ जाए इसको हम बोलते हैं भागफल, कोसेंट। और यहां जो भी कुछ रह जाए, बच जाए, हम इसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। अब बात समझिएगा, हमने अभी अभी आपसे पूछा कि ये अंदर संख्या है कौन सी है नहीं पता, और ये अंदर की संख्या निकालनी है, तो आपने कहा कि ये बाहर का गुणा, बाहर गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35 और शेष जोड़ लीजिए। तो बस वही, अब देखिए अंदर की संख्या हमें निकालनी है, मीन्स हमें क्या निकालना है, भाज्य। हमें क्या निकालना है, भाज्य। अब भाज्य निकलेगा कैसे, आप बाहर का गुणा इधर बाहर गुणा कर दीजिए, भाजक का गुणा किसमें, भागफल में, भाजक का गुणा कर लीजिए भागफल में, और जोड़ लीजिए क्या, जो शेषफल बचा है। बस इस सूत्र से आप परिचित हैं, प्राचीन काल से ही पढ़ रहे हैं, मतलब पिछली कक्षाओं से। तो अब देखा जाए इस सूत्र से आप परिचित हैं, बस सहूलियत के लिए इस बात का ध्यान देना है कि जो संख्या अंदर होती है हम इसको भाज्य पढ़ते हैं, जिस किसी संख्या से भाग देते हैं भाजक पढ़ते हैं, जितनी बार आ जाए उसको भागफल पढ़ते हैं, और यहां जो भी कुछ रह जाए उसको क्या पढ़ते हैं, सॉरी, यहां जो कुछ आ जाए हम इसको पढ़ते हैं शेष। चलिए अब मैं प्रश्न की बात करूं, इस पर प्रश्न बनते कैसे हैं। बस इतना ध्यान देना कि ये अंदर की संख्या जब निकालते हैं तो बाहर का गुणा इधर बाहर, भाजक का गुणा भागफल में, और ये शेषफल को जोड़ लेते हैं। तो चलिए आप सूत्र समझ गए हैं। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, इस प्रश्न नेचर की बात की जाए यहां से। अच्छा मैं प्रश्न ये करूं कि 1265 में हमने प्रश्न ये लिखा, 1265 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84, भागफल 84, ये 84 मैंने लिखा है, एक सेकेंड, भागफल 84 तथा शेषफल 5 बचे। शेषफल कितना बचे, बेहद इंट्रोडक्टिव प्रश्न है, एक सामान्य प्रश्न। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेष में संबंध स्थापित कर सकें। तो चलिए देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। प्रश्न हमने ये किया कि 1265 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए। अच्छा जिसमें भाग देते हैं हम उसे हमेशा अंदर रखते हैं, जैसे अभी अभी हमने 39 में भाग दिया तो 39 को कहां रखा था, अंदर। तो यहां हमें किस में भाग देना है, 1265 में।
तो जिसमें भाग देना हो आप उसको अंदर कर दीजिए 1265, ये बगल में बना लिया करें, इससे आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो 1265 में हमें किस में भाग देना है, 1265 में, तो 1265 अंदर कर दीजिए। अब सवाल यह है कौन सी संख्या से भाग दे, मतलब 1265 में किस से भाग दे ये नहीं पता, हमने मान लिया x से भाग दे कि भागफल 84 आ जाए और शेषफल 5 बचे, मतलब भागफल कितना आ जाए 84 और शेषफल कितना बचे, आप इसको बगल में बना लिया करें, इससे ये पता चल जाएगा क्या क्या दिया है। तो अंदर की संख्या को हम भाज्य पढ़ते हैं, भाज्य दिया है, भागफल दिया है 84, शेषफल दिया है 5, बस भाजक निकालना है। अब जो भी जानकारी पता है इस सभी जानकारी को सूत्र में रख दें। तो देखिए सूत्र हम सबको पता है, देखिए सूत्र हम सबको पता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य किसे कहते हैं, जो संख्या अंदर होती है उसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य कितना है बताइए, भाज्य है 1265, तो जहां पे ये भाज्य लिखा है बाएं पक्ष में तो ये भाज्य कितना है 1265। अब भाज्य बराबर क्या होता है बताइए, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल मतलब ये बाहर का गुणा बाहर, तो भाजक यक्ष है और गुणा भागफल 84 है, तो गुणा करिए तो भाजक यक्ष गुणा भागफल 84, तो यक्ष गुणा 84 और प्लस शेष कितना 5। अब समझ गए होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, बस आपको करना क्या है यक्ष का मान निकालना है। जब यक्ष का मान निकाले तो बारी बारी से सबको बाएं तरफ पक्षांतर कर ले, जैसे यहां 5 प्लस है और जब ये 5 बाई तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो 1265 में जब ये 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस 5 इधर माइनस होगा, तो 1265 माइनस 5 कितना हो गया 1260 बराबर कितना x गुणा 84, क्योंकि प्लस 5 इधर आया घट गया। अब यहां यक्ष का मान निकालना है तो गुणा 84 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, क्योंकि दाहिने पक्ष में 84 गुणा हो रहा है और जब यही 84 बाएं तरफ करेंगे तो 1260 में भाग हो जाएगा किससे 84 से। अब ये किसकी वैल्यू हो गई x की, तो 84 एक का 84 कितना बचा 84 6 90, हाँ 84 से एक बार में 84 हुआ 6 90 42, तो ये 420 और ये 84 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, मतलब किस संख्या से भाग दे 15 से। तो कितना आसान सवाल था, ये मैंने केवल इंट्रोडक्शन कराया, अब इस पर कुछ प्रश्न और एप्लीकेशन लेवल के बनते हैं उसे कंसीडर करें, ये आप समझ गए हैं। चलिए मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, चलिए एक प्रश्न में और लिख रहा हूं। हमने लिखा दो संख्याओं का अंतर 1365 है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। आगे हमने लिखा जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 15 बचता है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। अच्छा प्रश्न को हम हल करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी समझिएगा, जैसे मैं आपसे यह कह दूं कि दो संख्याओं का अंतर, एक बार समझिएगा, मैं आपसे कह दूं कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। अच्छा हम आपसे यह भी कह दें
कि दोनों संख्या में जो छोटी संख्या है वो 25 है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। अब मेरे बात को समझिएगा, हमने आपसे कहा कि दो संख्याएं हैं और दोनों में अंतर 10 है, दो संख्याओं में अंतर कितना है 10। अब मैं आपसे कह दूं कि दोनों में से जो छोटी वाली संख्या है वो 25 है, अब मैं पूछूं बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका सीधा सा जवाब ये होगा कि जब दोनों में छोटी वाली संख्या 25 है, दोनों में जब छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या 25 से ज्यादा ही होगी, जो बड़ी संख्या होगी ये 25 से ज्यादा ही होगी। कितना ज्यादा होगी? उतना जितना दोनों में अंतर है, कितना 10। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 35। अब देखिए यहां भी अब बात समझिएगा, अब मैं अपने सॉल्यूशन पर आ जाऊं। हमने दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, ये दोनों संख्या कौन सी नहीं पता, हमने मान लिया छोटी संख्या x है, हमने मान लिया दोनों में जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या कौन सी है x। अब बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, बताएं। जैसे हमने कहा कि दोनों में छोटी संख्या 25 है तो बड़ी क्या होगी, तो आपने कहा जब छोटी 25 है तो बड़ी कितना होगी, 10 ज्यादा होगी क्योंकि अंतर 10 का है। तो उसी तरीके से देखिए अंतर दोनों का 1365 है, और जब छोटी संख्या x होगी तो बड़ी संख्या x से ज्यादा ही होगी, जब छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x से ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी, जितना दोनों में अंतर है। अब बात समझिएगा, हमने आगे ये बोला कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब किसमें और किससे भाग दिया जाता है, तो बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। अब ये चीज बना लीजिए अपने सहूलियत के लिए, तो बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो बताइए बड़ी संख्या इतना है और छोटी संख्या इतना। अब बोला है कि जब बड़ी संख्या में, मतलब ये बड़ी संख्या है, तो जब बड़ी संख्या में मतलब किसमें, x प्लस 1365 में, किससे भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से। तो मतलब इस बड़े वाले संख्या में जब हम इस छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 7, और शेषफल कितना बचता है 15। अब पूरा बात समझ गए हैं, जब इस बड़ी वाली संख्या में मतलब x प्लस 1365 में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, मतलब किससे, छोटी संख्या x है, x से भाग देते हैं तो भागफल 7 और शेषफल 15 आता। बस अब आपको करना क्या है, ये सारी जानकारी इस सूत्र में रख दीजिए। अब बात समझिएगा, सूत्र को ध्यान से समझे तो सूत्र क्या कहता है बताएं। सूत्र कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब भाज्य किसे कहते हैं, जो संख्या अंदर होती है, तो अंदर कौन सी संख्या है, x प्लस 1365, मतलब भाज्य कितना है, भाज्य कितना है x प्लस 1365। अब भाज्य बराबर क्या होता है बताइए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो भाजक गुणा भागफल मतलब बाहर का गुणा बाहर, तो भाजक x है और गुणा भागफल 7 है, x का गुणा 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7x, और प्लस शेष, शेष कितना है, पूरी बात समझ गए। तो भाज्य है x प्लस 1365 बराबर भाजक गुणा भागफल, तो x का गुणा 7 में 7x प्लस शेष 15। अब आपको करना क्या है, x को x के तरफ कर दीजिए और संख्या को संख्या के तरफ कर दीजिए। जैसे अब बात समझे, यहां 1365 है और प्लस 15 जब बाई तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 15 बाई तरफ घटेगा तो 1365 में ये 15 घट जाएगा तो 1350 हो जाएगा, और वहां पर 7x पहले से है और 1x उधर जाएगा तो घटेगा, जब x को x के तरफ ले जाए तो वहां 7x है, 1x उधर जाएगा तो 7x में से 1x माइनस हो जाएगा तो 6x, बस 6 गुणा हो रहा है इधर भाग हो जाएगा, तो 1350 में 6 से भाग कर दें, ये वैल्यू हो गई x की, तो 6 दुना 12 6 पंचे 225, तो 225 किसका वैल्यू है, x का। x कैसी संख्या है, छोटी, हमसे छोटी नहीं पूछा है,
इसलिए बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना होगा, यक्ष से 1365 ज्यादा, तो यक्ष का मान 225 है, तो 225 प्लस 1365 ये बराबर हो गया 1590, ये उत्तर हो गया। तो बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सवाल छोटा है, बस प्रॉपर्टीज को समझना है, अप्लाई करना। ऐसे प्रश्न में सारी जानकारियां दिया होता है, उस जानकारियों को हमें कलेक्ट करना होता है, फिर जिसका मान पूछा जाए वो हमें निकाल लेना होता है। चलिए मैं एक प्रश्न इसका और लिख रहा हूं, और इसका भी प्रश्न पूछे जाने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ताकि हर एक पहलुओं को आप समझते चले। जैसे हमने प्रश्न लिखा, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है, तथा शेषफल का 4 गुना है। आगे हमने लिखा, यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य बताइए, यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य बताइए। अब जितनी भी जानकारियां दी गई हैं, सबसे पहले सभी जानकारियों को कलेक्ट करें। तो भाग का एक प्रश्न है जिसमें, अच्छा एक चीज समझिएगा, गणित में कहीं भी कॉमा का सेंस हो तो उसका मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे देखिए, भाजक के बाद कॉमा है तो इसका मतलब भाजक जो है बराबर है, बात समझना, ये भाजक जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, भागफल के 5 गुने के, मतलब भागफल का कितने गुना, भागफल का कितने गुना, 5 गुना। ये पहली जानकारी हो गई, सभी जानकारियों को एकत्रित करें, हमेशा ध्यान देना कॉमा का मतलब बराबर होता है। तो ये जो भाजक है ये बराबर है, किसके बराबर है, इस भागफल के 5 गुने के, तथा शेषफल का 4 गुना है। सवाल यह है कौन शेषफल का 4 गुना है, तो यही भाजक, ये जो भाजक देख रहे हैं ये भागफल का तो 5 गुना है, और ये जो भाजक है ये शेषफल का 4 गुना है, मतलब भाजक जो है ये कितना है, शेषफल का 4 गुना, मतलब दोनों बातें भाजक के लिए है, भाजक जो है भागफल का तो 5 गुना है, लेकिन यही भाजक शेषफल का 4 गुना है, और शेषफल 15 है, तो ये शेषफल 15 है, तो शेषफल की वैल्यू 15 रख दीजिए, तो 15 चौका कितना हो गया, 60, ये किसका मान हो गया, भाजक का, क्योंकि भाजक शेष का 4 गुना है और शेष 15 है, तो 15 का 4 गुना 60, तो भाजक का मान 60 आ गया, यही मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान कहां रख दें, समीकरण 1 में, बस समीकरण 1 देखिए, भाजक बराबर भागफल गुणा 5 है, तो भाजक की वैल्यू कितना है, 60 है, तो भाजक के स्थान पर 60 रखिए, बराबर भागफल गुणा 5, बस आप गुणा 5 बाई तरफ पक्षांतर कर दीजिए, भाग हो जाएगा, तो गुणा 5 इधर भाग होगा, तो 60 5 से कट जाएगा, कितनी बार में, 12 बार में, तो भाजक आ गया 60, भागफल आ गया 12, और शेष पहले से पता है, हमसे पूछा है भाज्य बताइए, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो भाजक कितना है 60 गुणा भागफल है 12 प्लस शेष कितना, शेषफल 15 है, तो 12 छक्के 72, 720 और प्लस 15 कितना हो गया 700। तो यहां पे मैंने 3 प्रश्न लिखा, तीनों के पैटर्न मैंने थोड़े थोड़े चेंज कर दिए, ताकि आप इसके हर पहलुओं को समझ सके। अभी इसमें जो दो हेडिंग रह गए हैं, दोनों बहुत छोटे हेडिंग है, माइनर, और आगे तो हेडिंग ऐसा है जिसमें पेपर पेंसिल की भी बिल्कुल न के बराबर आवश्यकता होती है। अगले क्लास में एक आसान सेक्शन के साथ, चूंकि इसका जो दो हेडिंग बचा है वो आसान ही है, मैं आपसे फिर से मिलूंगा, आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।